नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के जहानागंज नगर पंचायत क्षेत्र के बगीचा मोहल्ले में नगर पंचायत के द्वारा सड़क व नाली के निर्माण के दौरान गंदे नाली के गंदे पानी का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताने और इसका वीडियो बनाने से आक्रोशित नगर पंचायत अध्यक्ष व उसके भाइयों व गुर्गो द्वारा एक शिकायतकर्ता पीड़ित की जमकर लात घूसों लाठी डंडे से पिटाई करने के मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में सपा नेता जहानागंज नगर पंचायत अध्यक्ष सरफराज अहमद व उसके चार अन्य भाइयों तथा चार अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक जहानागंज कस्बा के मोहल्ला कारखाना निवासी शाह फैसल पुत्र वली जान के अनुसार वह 25 सितंबर को बगीचा मोहल्ला में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान नाली के पानी का उपयोग किए जाने पर विरोध जताया था और उसका वीडियो बनाया था। मौके पर निर्माण कार्य करा रहे नगर पंचायत अध्यक्ष सरफराज के खासम खास वसीम आलम पुत्र मकसूद निवासी जहानागंज ने शाह फैसल को धमकी दी। वहीं शाम को सरफराज ने मोबाइल पर कॉल कर उसी दिन घर पर बुलवाया। घर पहुंचने पर सरफराज उसके भाई जुल्फिकार अहमद, रईस अहमद, शाहनवाज व रियाज अहमद पुत्रगण सिराजुद्दीन तथा अब्दुल काशिफ पुत्र अब्दुल्ला, वसीम आलम पुत्र मकसूद, शाह आलम पुत्र फखरुद्दीन व कलोल बशर पुत्र अमीरुद्दीन निवासी गण जहानागंज ने पीड़ित के साथ लात घूसों लाठी डंडे से जमकर मारपीट की। किसी प्रकार से शोर मचाकर भागकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। इस दौरान लगातार आरोपी गण पीड़ित को जान से मारने की धमकी दिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जहानागंज थाने में धारा 115 दो 352 351 दो व 35 BNS के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पंचायत द्वारा निर्माण हो रहा था नाली व रोड का, उसी गंदे नाली पानी से ईंट को भिगो रहे थे और उसी पानी से सीमेंट बालू फेंट रहे थे। जब मैं वहाँ पे वीडियो बनाया तो मैं पूछा कि भाई क्यों ये गंदे पानी से नाली बना रहे हो रोड, तो उसने मुझे बदतमीजी से गाली गलौज दिया। मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है। वो चेयरमैन सरफराज का एक प्रतिनिधि वसीम आलम था, उसी ने बहुत बदतमीजी की। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। जब मैं घर चला गया फिर उधर से आया तो मैं फिर बैठा था, फिर बदतमीजी करने लगा। मैं कहा कि मैं वीडियो डीएम साहब को वहाँ भेज दूंगा। उसने कहा तुम और डीएम साहब हम लोगों का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो मैं घर फिर वापस चला गया। फिर शाम को 7:30 बजे चेयरमैन का फोन आया। फिर 5 मिनट के बाद उसके भाई का फोन आया, कहा कि जल्दी आओ मेरे घर पे, कोई जरूरी काम है। तो मैं चेयरमैन साहब के घर पे चला गया। उसके बाद जब घर में पहुंचा तो उन्होंने मुझे बंधक बना लिया। चेयरमैन थे और उसके भाई थे और उसके दोस्त थे, 8-10 लोग थे, मुझे बंधक बना लिए। उसके बाद दरवाजा बंद करके मुझे मारने लगे। वो कॉलर पकड़ के घींच उच रहे हैं तो कैमरा था, कैमरे के बगल में मुझे ले जाके मारे ताकि कैमरे में ना आए। उसके बाद जब मैं लोकेशन थाना अध्यक्ष को डाला कि मुझे जान का खतरा है, लोकेशन डाल दिया, बोले कहाँ पे हो, तो मैं बोला चेयरमैन के बैठका में हूँ। उसके बाद जो है कि मदन गुप्ता और पाठक जी ठाजन सिपाही आए, 5-10 मिनट के बाद आए, 10 मिनट तक वो मारते रहे। उसके बाद बहुत मुसीबत से वो लोगों ने मेरी जान बचाई। उसके बाद कहा अगर पुलिस में कंप्लेन करोगे तो जान से मार देंगे। यही कोई मुझसे जाति दुश्मनी चेयरमैन से नहीं है। 4-6 महीना गौ कसी में पुलिस वाले रेड डाले थे जिसमें सब लोग कसाई गिरफ्तार हुए थे, उसी से चेयरमैन मेरी मुझ पर खार बार बार टॉर्चर करता था और कल घर में बला के बंधक बना के मारा, बोल रहा कि तुम पुलिस की मुखबिरी कर रहे हो। खाली मेन थाना क्षेत्र जहानागंज के अंतर्गत एक प्रकरण प्रकाश में आया है जहां पे नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।
उसमें 8 व्यक्तियों का और नाम है। नाली निर्माण के दौरान गंदे पानी को प्रयोग लोकर एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी। उसका आरोप है कि उसको बुला करके उसके साथ मारपीट की गई है, जिसमें 9 लोग शामिल थे। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है, तथ्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जनपद आजमगढ़ में गुरुवार की शाम से शुक्रवार की सुबह तक झमाझम बारिश हुई। सुबह से जहां कहीं बादल तो कहीं हल्की बूंदाबांदी रही, तो वहीं दोपहर में मौसम बदला और देर शाम बाद जो जमकर बारिश शुरू हुई वह शुक्रवार की सुबह तक जारी रही। इस बारिश के चलते जहां सड़क पर निकले लोगों को जल जमाव के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वहीं आम जनता को गर्मी से निजात मिलती नजर आई। शहर की सभी सड़कें लबालब भर गई, कई इलाकों में बिजली गुल रही, तो वहीं जगह जगह बारिश का पानी भरने से रास्तों पर वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे। कुछ स्थानों पर खराब सड़कों और गड्ढों में पानी भरने से ट्रैफिक काफी देर रुका रहा। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। इस बारिश से किसानों को संजीवनी मिली है, जहां किसान धान की फसल के लिए पानी का इंतजार कर रहे थे, वहीं इस बारिश ने उनकी मुरादें पूरी कर दी। हालांकि अनवरत बारिश से बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई। कुछ स्थानों पर आए फाल्ट की वजह से शहर व ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बहुत दिन से ये अभिलाषा थी किसानों को कि ऐसी बारिश हो, और घमासान बारिश हुआ है जिससे हमारे फसलों को काफ़ी फायदा हुआ है। परेशान जो है किसान जो है यही अपेक्षा रखते थे कि मतलब इस तरीके की बारिश हो, हम लोग का फसल सही हो। जैसे जो फूट गए हैं धान, लगभग 5% फूटे हैं, उसी का हल्का फुल्का नुकसान है, बाकी तो नुकसान किन्हीं फसलों का नहीं दिखाई दिया। इस बारिश से धान की खेती की सोना की है। जी जी, इस बारिश के अब जो बारिश हुआ है इससे धान भी हो जाएगा, अगली जो फसल गेहूं का उसमें बुआई भी उसके हो जाएगी जो निचले खेत हैं। क्या खेत सूख रहे थे? हाँ, बहुत एकदम खेत बहुत सूख रहे थे, किसान बहुत परेशान थे। लोग भरते थे, आज भरते थे और शाम को जो है पानी खत्म हो जाता था, इतनी कड़ी धूप होती थी, गर्मी था। किसान 80% भगवान डिपेंड रहता है। हाँ, 80% तो डिपेंड भगवान पे रहता ही है कि भगवान बारिश करिए जो है हमारा फसल सही हो। और भाई इतना लागत आदमी लगाएगा, फिर पानी भरेगा, इतना कहाँ भरेगा, किसान भाई भरेंगे? तो कल रात की बारिश किसानों के लिए सोना है। हाँ, सोना है किसानों के लिए, सोना है। घमासान बारिश हुआ है, रात भर हुआ है। और बारिश की उम्मीद चाहते हैं? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो है खेत तो सब भर भर चुके हैं, और अभी तो नहीं कोई अपेक्षा ऐसी है कि फिर बारिश हो दोबारा। फिर ऐसा बहुत फ़ायदा हुआ है कल रात में, काफ़ी किसान खुश भी हैं। और जो है कि काफ़ी पानी भरा जाता था लेकिन उस पानी से फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन कल से बारिश की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है किसानों को। किसान खुश हैं इस बारिश से? हाँ, खुश हैं। पूरा फ़ायदा है फसलों को? और पूरा फ़ायदा है। उधर तो केस पूरा सूख रहा था, पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान ने बारिश किया, उस वजह से जो है कि अब बहुत मतलब राहत मिली है किसानों को। अच्छा फसल, अच्छा जो है कि सब कुछ, ज़मीन एकदम ठंडा हो चुकी है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मतलब किसान खेती गृहस्थी भगवान के ऊपर डिपेंड रहती है? क्यों नहीं, भगवान के ऊपर ही डिपेंड रहती है। बारिश होना जरूरी था? बारिश होना जरूरी है। बारिश के शुरू होने के साथ कोलघाट निवासी दहशत में आ गए हैं। फिर डूबने और घर छोड़ने की आशंका के चलते वे भयभीत है, जिसका खासकर पहला कारण नाले की साफ सफाई ना होना और दूसरा नाले पर बढ़ता अतिक्रमण है। आपको बता दें कि कोलघाट से निकलने वाला नाला कई वार्डों के बारिश के पानी के निकास का प्रमुख मार्ग है। इसमें बढ़ते अतिक्रमण के कारण इसके अस्तित्व मिटने की आशंका जाहिर की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यह नाला 6 फीट में बहा करता था, अब यह मात्र 2 फीट का होकर रह गया है। लोगों का कहना था कि प्रशासनिक उदासीनता की वजह से लगातार नाले के दोनों ओर कब्जा किया जा रहा है।
कुछ स्थानों पर तो नाले की भूमि को निजी बताकर बिक्री भी कर दिया गया है और लोगों ने निर्माण भी करा लिया है। अब जो हिस्सा बचा है वहाँ पर भी तरह तरह के हथकंडे कब्जा करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। शहर में तेजी के साथ भूमाफिया ने जड़े जमा ली है। इन्हीं दो प्रमुख वजहों से नाले का फ्लो रुक गया है। भारी बरसात की संभावना की वजह से वे डरे हुए हैं। लगता है उन्हें फिर डूबना पड़ेगा, घर घाट छोड़ना पड़ेगा। ये कि पानी जब भी थोड़ा सा बारिश हो या तेज हो कोई भी हो, ये हमारा गली जो है ना पूरी तरह से एकदम भर जाती है। ये हमारा गली नहीं, पूरी कोलघाट की एरिया की बात है। इसके लिए बहुत से लोग प्रस्ताव दिया गया नगर पालिका से लेके, और ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा है सटा हुआ प्रधान के भी, जिसका इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है और बहुत काफ़ी समय से हम लोग पीड़ित हैं। ऐसे नहीं, सब पानी की निकासी का मेन रास्ता ही बंद है। जो ये कोलघाट का जो नाला है, जब तक कि इसका रास्ता नहीं निकलेगा तब तक पानी का कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। क्या उसका अतिक्रमण कर लिया गया? अतिक्रमण आगे से कहीं से लॉक है, जिसके वजह से हम लोग पीड़ित हैं। चाहे थोड़ा बारिश हो चाहे ढेर हो, ये तो गली में थे, अभी एक घंटा और बारिश हो जाए ना तो घर के अंदर घुस जाएगी बारिश। निकासी हमेशा की है, आज से नहीं है, ये जब से हम लोग का होश है तब से लेके अब तक देख रहे हैं। डाढ़ी बार पक गई लेकिन कोई इसका रास्ता नहीं है। चाहते हैं इसका रास्ता कोई निकले पानी का, जो हम लोग एकदम डेंगू मच्छर मलेरिया टाइफाइड हर एक तरह तरह के पीड़ित है बीमारियों से। अजय ये पानी निकासी हो जाए तो फिर हम लोग सुरक्षित रहें। इसके लिए नगर पालिका से भी कहा गया कि भैया अब इससे ध्यान, नगर पालिका के लिए भी जो जिम्मेदार होते हैं इनके सफाई नायक होते हैं उनसे भी बार बार प्रस्ताव दिया गया। ये देख रहे हैं पटिया सब उठा उठा कर रखे हुए हैं कि इसकी सफाई अगर कर दें आप लोग बढ़िया सा तो कम से कम पानी निकासी हो जाएगी। वो भी लोग नहीं करेंगे, ये रास्ता ब्लॉक है वहाँ से वो रास्ता ब्लॉक है, ये भी नहीं। झाड़ू कोई आया मारा चल दिया, नाली आया कोई निकाला थोड़ा थोड़ा निकाल देगा चल देगा। अरे इसकी क्या रास्ता निकल, बढ़िया से मेहनत से सफाई कर दो कि उसका रास्ता निकल जाए। पटिया उठा दोगे तनी सही निकाल दोगे, छोड़ दोगे पटिया बच्चे के पैर पे गिरे चाहे जहां मन के तहां गिरे। शुक्रवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा कलेक्ट्रेट में स्थित संयुक्त कार्यालय अभिलेखागार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नजारत आपदा जन सुनवाई आदि कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पटल पर कार्यरत कर्मचारियों से कार्यों के बारे में जानकारी लिया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न अभिलेखों एवं उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने अभिलेखों के उचित रखरखाव एवं कार्यालय में साफ सफाई बनाए रखने एवं अन्य आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। गुरुवार के दिन आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील परिसर में दो लोगों द्वारा एक व्यक्ति को लाठी डंडे से दौड़ा कर मारने पीटने का विजुअल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बताया गया कि हमलावर दोनों तहसील कर्मी हैं, जबकि जिस पर हमला किया जा रहा है वह ग्रामीण फरियादी था। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है वह हुसामपुर बड़ा गांव थाना निजामाबाद निवासी चंद्रशेखर पुत्र खिचड़ू है। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर तहसील परिसर में गया हुआ था, जिस पर तहसील कर्मी से वाद विवाद हो गया और उसी में दोनों कर्मियों द्वारा लाठी डंडे लाकर पीड़ित फरियादी को मारा पीटा गया। वहीं मार खाने के बाद पीड़ित फरियादी तहसील परिसर से भाग खड़ा हुआ। अब इस घटना में नया मोड़ आ गया है। एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि चंद्रशेखर नामक व्यक्ति द्वारा शराब पीकर अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, उसके द्वारा महिलाओं पर भी गलत टिप्पणी की जा रही थी। इसके बाद तहसील में नियुक्त व्यक्तियों द्वारा और जनता द्वारा उसे तहसील के बाहर किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बीट सूचना लिखने हेतु निजामाबाद थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। बीट सूचना दर्ज करके इसकी जांच करें और जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वह की जाए। तहसील निजामाबाद परिसर में चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति द्वारा, जो बड़ा गांव क्षेत्र का रहने वाला था, थाना क्षेत्र निजामाबाद में ही है, ये प्रकाश में आया कि उसके द्वारा शराब पी करके अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, उसके द्वारा महिलाओं के ऊपर भी टिप्पणी की जा रही थी। तो तहसील में नियुक्त कर्मियों द्वारा और जनता के व्यक्तियों द्वारा उसको रोका गया
और उसको तहसील के बाहर किया गया। इस संबंध में बीट सूचना लिखने हेतु थाना निजामाबाद के जो प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया गया है, बीट सूचना पंजीकृत करके इसकी जांच करें और जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो संपादित करें। आजमगढ़ के अजमतगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत अनजान शहीद ने बिना गेट निर्माण के ही भुगतान कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी सगड़ी को पत्रक सौंप जांच की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार अजमतगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत अनजान शहीद निवासी सुभान खान ने गुरुवार को उप जिलाधिकारी सगड़ी को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि गांव में बिना गेट के निर्माण किए ही भुगतान कर लिया गया है। यह फर्जी भुगतान 5 सितंबर 2024 को हो चुका है और भुगतान के संबंध में जो ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर फोटो डाला गया है वह फोटो ग्राम नत्थुपुर में करगिल शहीद रामसमुज यादव के नाम पर रखा गया है, जो कि विधायक नीति से निर्मित है। इस फोटो को दिखाकर 2,39,990 रुपए का भुगतान कर लिया गया है। जब 25 दिन बाद हम ग्राम वासियों को इसकी जानकारी हुई तो हम लोग एडीओ पंचायत अजमतगढ़ व डीपीआरओ आजमगढ़ से मौखिक शिकायत किए, लेकिन 26 सितंबर 2024 को प्रधान द्वारा सुबह 6 बजे आनन फानन में ग्राम छतरपुर खुशहाली की ग्राम पंचायत में निर्माण करना शुरू कर दिया। जब इसकी जानकारी हम ग्रामीणों को हुई तो मौके पर पहुंचे जो गेट बनाने वाले ठेकेदार थे, उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान अनजान शहीद अजीम ने हमसे कहा है। इतने में ग्राम प्रधान भी आ गए। हम लोगों ने ग्राम प्रधान से कहा कि आप गेट का पैसा निकाल चुके हैं तथा यह जगह तो ग्राम पंचायत छतरपुर में स्थित है तथा जो दूसरा गेट है वह सोहरिया में स्थित है, दोनों जगह हमारे ग्राम पंचायत अनजान शहीद से बाहर हैं। इतने में ग्राम प्रधान आवेश में आ गए। हम लोगों ने 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया ताकि शांति बनी रहे, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा काम नहीं रोका जा रहा था, जबकि ग्राम पंचायत की नीति से गेट का निर्माण नहीं है, यह अधिकार शासन द्वारा विधायक एवं सांसद को ही दिया गया है, वह भी जिस गांव में स्वतंत्रता सेनानी हो या देश के लिए बलिदान दिया हो उसी के नाम पर गेट बनेगा, लेकिन प्रधान ने अपने दादा हाजी बदरुद्दीन के नाम रखने का विचार किया है जो शासन की मंशा के विरुद्ध है। सुभान खान ने आरोप लगाते हुए मांग किया और कहा कि ग्राम प्रधान व सचिव ने बिना बने गेट पर फर्जी फोटो लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, एनएचएआई तथा पीडब्ल्यूडी की जमीन में बनाया जा रहा है, इस निर्माण को रोका जाना न्याय हित में होगा तथा जो फर्जी भुगतान किया गया है उसे पर सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाना जरूरी है। ग्रामीणों ने मांग किया कि इस मामले की पूरी जांच कर काम को रोका जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मामला ये है कि ग्राम अनजान शहीद में एक ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा दोनों लोगों ने मिल करके 2,39,990 रुपए फर्जी भुगतान कर लिया है। यह भुगतान बिना गेट के नाम पे किया गया। एक अनजान शहीद में मुख्य द्वार पर गेट निर्माण कार्य और इसको फाइनल पेमेंट में ले जा करके ग्राम नत्थुपुर जो शहीद रमेश यादव के नाम विधायक निधि से गेट बना हुआ है उस गेट को फोटो खींच करके फ्रॉड करते हुए अपनी ग्राम पंचायत की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया ताकि हमारा फर्जी भुगतान हो गया। और ये भुगतान तकरीबन 25-26 दिन हो गया हुए। जब इसकी जानकारी हम लोगों को हुई तो हम लोगों ने इसकी शिकायत डीपीआरओ एडीओ पंचायत डीपीआरओ साहब आजमगढ़ एडीओ पंचायत को किया। एसडीएम साहब को आज आए हैं, अभी एसडीएम साहब से मिलकर उनको भी बताया जाएगा। तो ये शिकायत किया गया कि श्रीमान जिस जगह ये आनन फानन में गड्ढा खुदवाए हैं वो जगह ग्राम छत्तरपुर में स्थित है, वहाँ से 100 मीटर दूर ग्राम पंचायत अनजान से शुरू हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि ग्राम पंचायत में गेट निर्माण का अधिकार नहीं ग्राम पंचायत को। अगर ग्राम पंचायत को गेट का निर्माण करा सकते हैं लेकिन कोई देश के नाम शहीद हो या स्वतंत्रता सेनानी हो उसके नाम करा सकते हैं, जो कि शासन की गाइडलाइन है जिसको विधायक को दिया गया है कराने के लिए। विधायक उसी गांव में निर्माण कराएं जहां पे शहीद हुए हों, जैसे यहां पे रामसमुज यादव जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे बना है, नत्थुपुर में रमेश यादव शहीद हुए उनके नाम पे बना है,
यानी पूरे विधानसभा में या पूरे जिले में जहाँ भी गेट का निर्माण इस समय चल रहा है वो केवल शहीद और स्वतंत्रता सेनानी के नाम, ये अपने दादा हाजी बदरुद्दीन के नाम गेट का निर्माण कराना चाहते हैं, उस पर लिखाना चाहते हैं। तो आज आप हाजी बदरुद्दीन के नाम बनाइए, कल कोई अपने दादा के नाम बनवाएगा, परसों कोई अपने दादा के नाम बनवाएगा, तो ये तो आप इस तरह से तो देश में अडानी और अंबानी भी हिंदुस्तान को हटा करके अपना ही नाम लिखने लगे अगर आप इनके पास पैसा है तो। ये देश के शहीदों का अपमान है, ये देश के जो है स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। इसीलिए हम आए हैं कि उस एक तो वो NHI में बन रहा है जो निर्माण हो रहा है, एक तो छतरपुर ग्राम सभा है, दूसरे NHI है जो 3 महीने में उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन उससे बड़ा फ्रॉड इन लोगों ने ये किया, सबसे बड़ा जो फ्रॉड है कि गेट का कोई नामो निशान नहीं, इन्होंने फर्जी भुगतान ले लिया गेट न बना करके। पैसा लेने के बाद जब इनको ये डर सताने लगा कि अब हमारी जांच हो जाएगी तो रातों रात जा करके वहां गड्ढा खोद करके पिलर खड़ा करने की कोशिश करने लगे, जिसका हम लोग मौके पे विरोध किए। वो लोग इकट्ठा हुए, कुछ उन लोग मानसिकता ठीक नहीं थी, मार झगड़ा पे उतारे हुए, लेकिन हमने फिर 100 नंबर बुलाया। 100 नंबर ने आकर के दोनों लोगों को कहा कि आप लोग अभी निर्माण का रोक दीजिए जब तक कि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो जाए, जांच पूरी हो जाए, जांच पूरी होने के बाद वो निर्माण कराएं, कोई दिक्कत हमको नहीं। लेकिन हमारी मांग ये है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए इस पूरे फ्रॉड की, तब तक वहां कोई निर्माण ना हो। स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।